दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट और ख़ास तौर से जो कूड़ा है ना, इसकी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। आपने तो देखा होगा आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास कितना कूड़ा पड़ा रहता है। और आपने ये भी देखा होगा, जो मैंने देखा, ये मैंने देखा, एक दिन मैं गया था अपनी बेटी को अपस्केट म्यूज़िक क्लास के लिए, और वहाँ पे मैंने गाड़ी में वेट कर रहा था, तो अचानक ये देखिए मैंने क्या देखा, और ये विचार मेरे मन में प्रभु ने डाला। ये देखिए, दोस्तों देखा आपने शायद ये नज़ारा, और शायद आपके सोसाइटी में, आपके घर के आसपास या आपके टावर में जहाँ रहते हैं आप, या आपके ऑफिस के आसपास आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो आते हैं और दूसरों का कूड़ा उठाते हैं और गंदगी उठा के ले जाते हैं, और इन्हीं की बदौलत हमारे घर, हमारी सड़कें, हमारे जो गलियाँ हैं, और ये बड़े साफ रहते हैं। और ख़ास तौर से हमारे घर में जो कूड़ा और जो गंदगी है उसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं। ये देखिए डस्टबिन मैंने आपके लिए ऊपर रखा है, इधर डस्टबिन में डाल के हमारा, हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे दूर हो जाए, हमारे घर से निकल जाए वो बदबू और वो सारी गंदगी, हम बाहर निकाल दें। किचन का सामान, इसका सामान, उसका सामान, जो भी गंदगी, जो भी वेस्ट है, जो गार्बेज है, हाँ जी, जो कूड़ा है, हम उसको निकाल के फेंकना चाहते हैं दोस्तों बाहर। और मेरा पूरा यकीन है ये पूरी दुनिया में ऐसी है दोस्तों। आप एक छोटी सी कुटिया में क्यों ना रहें या राजमहल में क्यों ना रहें, आप अमेरिका में हो, रशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बड़े बड़े ग्रेट कंट्रीज़ में हो, या आप जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, या किसी जंगल में क्यों ना रह रहे हो, फिर भी आपका जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, वो आप नहीं चाहेंगे उस गार्बेज को ले आप और उसको अपने मेंटल पीस पे या दीवारों पे पेंटिंग बना के रखें उसको, उस गंदगी को आप उसकी बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें बना के उसको आप रखें सामने टेबल पे। ये देखिए ये मेरा कूड़ा है। कभी आपने देखा है, देखिए सुनिए, कभी देखा है किसी डस्टबिन को आदमी बड़े चमका चमकू के ऊपर रखे, टेबल के ऊपर उसको सजा के रखे, डस्टबिन को जिसमें कूड़ा जाता है? आप भी कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं अल्फ्रेड सर। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, ये तो बच्चा भी जानता है और बच्चों को सिखाया जाता है, कई दफ़ा मार मार के भी सिखाया जाता है, अरे टॉफ़ी का रैपर उठाओ, डस्टबिन में डालो, अरे पेंसिल घड़ रहे हो और जो नीचे गिर रहा है उसको उठा के डालो उसके अंदर, अरे कागज़ फेंक दिया इधर, उठा के डालो उधर, बिस्किट खाया उसका रैपर यहीं छोड़ दिया, उठा के डालो उसमें। या हम देखते हैं कि किस तरह रोज़ जो झाड़ू पोछा होता है उसकी गंदगी भी उठा के डस्टबिन में डाली जाती है। दोस्तों ये एक सिंपल चीज़ है जो शायद कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए, कोई डिग्रियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लाइफ है, ये हमारे रोज़मर्रा की एक ज़िंदगी का पहलू है, ये कि जो गंदगी है, गार्बेज है, उसको निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। इस पर एक मुझे एक विचार आया और एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अर्ज़ किया है। वो कहानी ये है, एक छोटा सा एक शहर था, उस शहर में और एक छोटे से एक जगह थी, एक राज्य था, वहाँ पे लोग एक दूसरे से खूब झगड़ा झगड़ा भी करते रहते थे और एक अमन और शांति से नहीं रहते थे वो, पर वही होता था कि जो क्या लिया, कूड़ा लिया, दूसरे के घर में फेंक दिया। आपने भी देखा होगा ये, अरे वो कूड़ा लिया और गंदगी ली, दूसरे के घर के गार्डन में डाल दी,
या उसके पिछवाड़े में पीछे के जो बैकयार्ड में डाल दिया। हम देखते हैं कई लोग ऐसे ही करते हैं, अपना कूड़ा उठा के दूसरे में डाल देते हैं। हुआ ये कि वहाँ पे एक छोटे से जगह में वहाँ पे एक ही आदमी आया करता था रात को, और रात को वो बूढ़ा आदमी आता था और बड़ा सा उसके पास एक व्हील बैरो टाइप की चीज़ थी जिसमें वो सामान सारे लोग अपना कूड़ा बाहर रख देते थे और उठा के ले जाता था वो। किसी ने कभी पूछा नहीं ये कौन इंसान है, ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, और ये कूड़ा कहाँ जाके फेंकता। पर क्या है कि बेचारा झाड़ू वाड़ू लगाता है, साफ सूफ करता है उन गलियों के पास, और वो गलियाँ राजमहल के पास थी इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि वो साफ़ हों वो जगह, क्योंकि राजा साहब को अगर पता चल जाए कि भाई यहाँ कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी, तो लोगों को मार पड़ेगी और शायद सज़ा भी हो जाएगी। तो क्या होता था कि वो राजमहल की तरफ से आता था, राजा की तरफ से, और वो सारी जगह बेचारा साफ़ करता, सुबह हो जाती थी और सुबह चला जाता था वो। दिन के वक्त वो शायद अपना कोई काम करता था और रात को आके करता था। लगता है कि बड़ा गरीब सा इंसान है, मुस्करा देता है बस, वो जो मर्ज़ी उठाना है उठा लेता है वो, और जो गंदगी उठा लेता है, हैं, जैसी चीज़ है वो उठा लेता है, कभी मना ही नहीं करता वो इंसान। तो क्या हुआ, ऐसे महीने और हफ्ते और महीने और कई साल ऐसे निकल गए, किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि ये कौन इंसान है, मिस्ट्री मैन। वो आता है रात को, कूड़ा उठाता है और अपने सामान में रखता है। पुराने ज़माने की बात है, जैसे मैंने बताया एक वीर बैलो टाइप की लाता था, कई दफ़ा अपनी घोड़ी का एक एक छोटा सा टोंगा लाता था और उसमें सामान रख के, एक गंदगी रख के चला जाता था वो। अब वो कहाँ जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, पर लोगों को क्या लेना देना मेरे अजीज़ों, हैं। अरे कूड़ा तो साफ़ हो रहा है, गली तो साफ़ हो गई, रास्ता तो साफ़ हो गया, हमारी गंदगी उठा के ले गया। अरे हमारे पास कहाँ टाइम है, हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि अपनी गंदगी उठाकर कहीं दूर जाके उसको फेंका जाए और या उसको जलाया जाए, हमारे पास कहाँ फुर्सत है, हम तो बहुत बिजी हैं। तो लोग सोचते हैं अच्छी बात है भैया, और वो भी फ्री सर्विस करता है, ना उसको कोई पैसा देना पड़ता है, ये चुपचाप आके ले जाता है और सालों साल आता है, टाइम पे आके टाइम पे ले जाता है वो, हमें सिर्फ क्या करना है, कूड़ा उसको देना है बस, और वो मुस्करा के ले लेता है, जो मतलब ज़्यादा कूड़ा हो या थोड़ा कूड़ा उसको कोई परवाह नहीं है, और वो उठा के ले जाता है, बदबूदार चीज़ें हो, गंदगी चीज़ें हो, उठा के ले जाता है। दोस्तों एक समय की बात है कि वो कूड़े वाला आया नहीं, परेशान हो गए लोग, बड़े परेशान हो गए, और ये लोगों के ढेर लग गए, डस्टबिन ओवरफ्लो होने लग गए, और लोग के कूड़ा वड़ा उठाने बदबू हो गई, मक्खियाँ आ गई, सब तरह के गंदगी हो गई, और कोई आ ही नहीं रहा साफ करने के लिए, परेशान हो गए लोग, परेशान हो गए दोस्तों। और उन्होंने कहा राजा साहब के पास जाना पड़ेगा, पुराने वक्तों की बात है ये, राजा साहब के पास जाना पड़ेगा। पहुंच गए राजमहल वो लोग, पूरी कमेटी बना के पहुंच गए वो लोग, रिप्रेजेंटेशन लेके कि कूड़े वाला कहाँ चला गया, मर तो नहीं गया क्या, वो बूढ़ा था वो, लोग कहते मर गया, कोई कहता चला गया, कोई कहता ये हो गया वो हो गया बीमार हो गया, सब ने र्यूमर्स अफवाहें फैला दी उसके लिए, आया नहीं कई दिनों से। तो दोस्तों राजमहल के अंदर गए और वो तो सालों साल से राजा से कौन मिलता है, और उनका फुर्सत कहाँ है राजा का शक्ल देखने के लिए। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा राजा बैठे हैं वहाँ पे अपने सिंहासन पे, और वो आए झुकते हुए, राजा जी बड़ी परेशानी है राजा जी, वो आपने जो एक कूड़े वाले को लगाया था आपके आसपास हम रहते हैं, वो आ नहीं रहा, बहुत परेशानी हो गई हमें, तो बहुत गंदगी हो गई, बदबू हो गई, रहना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर के बाद वो राजा उतरा अपना राज जो उसने मुकुट था उठा के साइड में रखा, और वो जब आया अपनी शॉल उठाई, मलमल की शॉल उतार के वो उनके सामने आया और मुस्कुराया। और जब वो मुस्कुराया मेरे अजीज़ों, जब वो मुस्कुराया, उन्होंने कहा ये मुस्कुराहट तो जानी पहचानी है। तुमको एहसास हो गया जब उसने उनसे बात करी, ये आवाज़ भी जानी पहचानी है। और दोस्तों उनको यकीन हो गया कि वो जो रात को आया करता था ये और कोई नहीं है, राजा खुद था, अपना भेष बदल के वो आता था और हमारी गंदगी हमारा कूड़ा उठा के ले जाता था वो। उनके आंखों में आंसू आ गए और राजा ने बोला, किसी ने पूछा नहीं मैं कितने अरसे से आ रहा था कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं,
क्या आप पानी पिएंगे, क्या चाय पिएंगे, हमारे घर आइए, आराम कीजिए, किसी ने ना पूछा। तो मैंने सोचा चलिए कुछ दिन नहीं जाता मैं, मेरी इम्पोर्टेंस तो पता चलेगी इनको, और शायद ये राजमहल में आएंगे कंप्लेन करने के लिए। और दोस्तों वही हुआ, उनके आंखों में आंसू आ गए सब लोगों के। एक तो बहुत रोने लग गया क्योंकि उसने गालियां भी दी थी उसको, राजा को, उस कूड़ा उठाने वाले को। किसी ने उसको धक्का भी दिया था, बुरा भरा भी बोला लोगों ने, उसने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा उस राजा ने। और दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियजन, मेरे नौजवानों, वो राजा चुपचाप मुंह बंद करके मुस्कराते हुए सारी चीज़ें उठा के ले जाता था, उनकी गंदगी, उनका गार्बेज। उसके पैरों में गिर गए वो, उसने गिरने नहीं दिया, उनको उठा के हर एक को गले लगाया। और दोस्तों, उन लोगों ने पहचान लिया कि वो राजा था। दोस्तों, इस कहानी से मेरा दिल भर आया है, दिल भर आया है दोस्तों। क्यों, आप बोलो क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गंदगी हमारा पाप है, हृदय में ना, हृदय जो हमारा हृदय है ना, इसमें सब प्रकार की बुराइयाँ हैं दोस्तों। बाइबल बताती, खुदा बताते हैं कि इस हृदय से सब प्रकार की बुरी बातें निकल, दुष्ट और ढोंगी है, डेस्परेटली विकेड है, डिसीटफुल है हमारा हृदय, आर हार्ट। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, गार्बेज निकलता है, गार्बेज, कूड़ा निकलता है, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, लालच। कितना लालच है दोस्तों, हैं? बुराइयां, सब तरह की मूर्ति पूजा, सब तरह की बुराइयां, व्यभिचार, कत्ल और सब प्रकार के झूठ और धोखा इसी हृदय से निकल के आते हैं दोस्तों। दोस्तों, कभी आपने अपने दिल के झरोखों में डाल के, अपनी अपने विवेक के टॉर्च जला के अपने हृदय में ढांका है क्या? भी है, हैव यू पुट ऑन द टॉर्च ऑफ योर कॉन्शियंस एंड लुक इनसाइड द इनर रिसेसेस ऑफ योर हार्ट, एंड यू विल सी द ब्लैकनेस एंड विकेडनेस ऑफ आवर हार्ट। दोस्तों, ये मैं नहीं अपना फलसफा दे रहा, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया हमें ये। और बाइबल बताती है, खुदा का कलाम, जीवित कलाम बताता है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। कोई नेक, कोई धर्मी, कोई राइचस नहीं है मेरे अजीजों, कोई राइचस नहीं है दोस्तों। पर 2024 साल पहले वो महान राजा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, शहंशाहों का शहंशाह, वो अल्फा और वो ओमेगा, वो शुरुआत और वो अंत, वो जो आदि में कब, मतलब उसकी कोई 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 मतलब कोई अंत नहीं है दोस्तों। ही इज द बिगनिंग एंड द एंड, वो महान परमेश्वर, द ग्रेट गॉड, द ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान खुदावंद, हमेशा रहने वाला खुदावंद, वो राजा, महान राजा, राजाओं का राजा, देहधारी हुआ, इमैनुअल बताया गया, परमेश्वर हमारे संग, अपने महिमा, अपना सिंहासन, अपना सब कुछ छोड़ के खाली हो गया, एम्प्टीड हिमसेल्फ, चरनी में पैदा हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। समझ के बाहर है दोस्तों, समझ के बाहर है कैसे हुआ ये, पर उसने किया। उसका नाम यीशु रखा गया, मतलब अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। और मसीह का मतलब, क्राइस्ट का मतलब, द एनॉइंटेड वन, मसा करके भेजा हुआ, वो आया इन द फुलनेस ऑफ टाइम, सही वक्त पे, एट द अपॉइंटेड टाइम वो आया, हमारे इतिहास के पन्नों के बीच में आया हो। वो कोई काल्पनिक नहीं कैरेक्टर, वो रियल है, वो सच्चा है, जो जीवित है, और वो आया। और दोस्तों, वो तो राजा क्या करता था, अपना टोंगा लाता था या व्हील बैरो आता था लेके, और सामान लेके चला जाता था। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला? हमारे पापों को, हमारे गार्बेज को, हमारी गंदगी को उठाने के लिए आया वो, हम खोए हुए लोगों को बचाने के लिए आया, हम पापियों के लिए
उसने पहले हमसे मोहब्बत करी और मोहब्बत को इस तरह दर्शाया कि वो खुद कुर्बान हो गया, और उसके लिए क्या करा उसने, सूली दे दी हमने उसको, और उस सूली पे ही नेल्ड आवर इनइक्विटीज एंड आवर सिंस ऑन द क्रॉस। दोस्तों हमारे गुनाहों को वो उठा के ले गया और सलीब पर उसने ठोक दिया। दोस्तों वो हमारा गार्बेज उठाने के लिए आया, हमारे हृदयों का गार्बेज, हमारे गुनाहों को उठाने के लिए आया, क्योंकि उसमें ना कोई पाप है, ना पाप था, ना कभी पाप उसने किया ना जाना। वो पाक पवित्र थ्राइस होली गॉड हमारे लिए पाप ठहराया गया, हमारी गंदगी हमारा गार्बेज उसने उठा लिया अपने ऊपर, सलीब पे चढ़ गया और अपनी जान दे दी उसने, अपना बेश कीमत लहू बहा दिया, बेश कीमत लहू बहा दिया। दोस्तों और मैं क्या आपके सामने पढूं बाइबल से, यशाया 53 में पढ़ना चाहता हूं, इसाया चैप्टर 53 बहुत खूबसूरत है, प्लीज आप कहीं मत देखिए इधर, प्लीज इस पे तवज्जो दें। ये खुदा का बेश कीमत अनंत काल से अनंत काल से रहने वाला वचन मैं पढ़ रहा हूं परमेश्वर के अब्दी कलाम से, और ये वचन इस तरह है 53 यशाया, और मैं पढ़ रहा हूं 4 पद से, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 पद, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हमें हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर ला दिया। द लॉर्ड लेड ऑन हिम द इनइक्विटी ऑफ अस ऑल, हमारे अधर्म का बोझ उस पर डाल दिया। दोस्तों और यूहन्ना के पहले अध्याय में यूं लिखा है मेरे अजीजों, यूहन्ना के पहले अध्याय में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा अपने पास आते हुए, और उसने यूं कहा और इस तरह से उसने लिखा कि बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, 1:29 में लिखा है, John 1:29, और उसमें लिखा है देखो ये परमेश्वर का मेमना, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत का पाप उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। दोस्तों हमारे पापों को उठाने के लिए और हमारे पापों का जो दंड है उसने अपने सर पे ले लिया और खुद चुका दिया, जब अपनी जान दी सलीब पर, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन खुदावन यीशु मसीह जिंदा हुआ। दोस्तों पहचानो उसको, वो लोग तो पहचान नहीं पाए, उस शहर के लोग, वो कौन आता था उठाने के लिए। दोस्तों पहचानिए, लोग आज भी उसको नहीं पहचानते कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस खुदा ने, हमसे मोहब्बत इतनी करी, हम पहचानते नहीं उसको। दोस्तों आज प्लीज खुदा आपकी आंखों को खोल दे, आपकी आत्मिक आंखों को, और आपके जमीर को झंझोड़ दे, और आप उसको पहचाने कि वो महान राजा आया आपको बचाने के लिए, आपके बोझ, पाप के बोझ को उठा के ले गया, आपका गार्बेज उठा के ले गया, आपका गार्बेज उठा के ले गया, आपका कूड़ा उठा के ले गया, आपके गुनाहों को उठा के ले गया। दोस्तों पहचानिए उसको, आ जाओ उसके पास, उसके चरणों में गिर जाओ, उन लोगों की तरह आंसू बहा दीजिए अपने गुनाहों के, तोबा कर लीजिए दोस्तों, तोबा कर लीजिए, और आज सर नगू होकर उसके कदमों में आप ये दुआ करें, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, भेड़ों की नाई भटक गया हूँ, अपने मार्ग में चला गया हूँ प्रभु, दुनिया में खो गया हूँ प्रभु, मैं अंधकार में हूँ खुदा, ओ खुदावन मुझे बचा लो,
मुझ गुनेगार पे दया करो, मैंने आपको पहचाना नहीं कभी प्रभु, आपने सब कुछ किया मेरे लिए, मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, कुर्बानी दी, आपको दफन कर दिया गया, पर तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ, और आज आपको अपना निजी उद्धार करता, मुक्ति दाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लीजिए, मुझे पाक साफ कर दीजिए, मुझे अनंत काल का वरदान दे दीजिए, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए आप इस दुनिया में आए और कुर्बान हो गए और जिंदा हुए और दोबारा आएंगे। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना करी है, दोस्तों आपके पाप का बोझ हट गया, हट गया, हट गया। क्यों? क्योंकि उसने आपके सारे गुनाहों का बोझ की जो सजा है अपने ऊपर लेकर चुका दी, वो महान कर्ज चुका दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई ईमान लाए, जो कोई अंगीकार करे, वो बचाया जाएगा। दोस्तों आज अपना जीवन उसको दे दीजिए, अपना जीवन, जो भी गुनाह है, जैसे भी गुनाह है, देखिए उसको दे दीजिए। जैसे ये डस्टबिन का मुंह हमेशा खुला रहता है, जो डालना डाल दो। आज परमेश्वर कहता है अपना जीवन मुझे सौंप दो, अपना जीवन मुझे दे दीजिए। दोस्तों क्यों ये बोझ, ये गंदगी, ये गार्बेज लेके बैठे हैं आप? दे दो, छोड़ दीजिए, ग्रहण कर लीजिए, आजाद हो जाइए और उसकी संतान बन जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।